हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है लेथ मशीन और लेथ के फास्टनर्स जो हम लेथ के साथ में यूज करते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, लेथ मशीन होता क्या है? देखिए, लेथ मशीन एक टूल है जो कि वर्कपीस को रोटेट करने के बाद रोटेशन मोड में ही उस पर कई सारे ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। लेथ मशीन को एक और चीज से, एक और नाम से हम लोग जानते हैं जो सारे टूल्स की जननी होती है। इस लेथ मशीन को हम लोग सारे टूल्स की माँ बोलते हैं। तो मैकेनिकल फील्ड में लेथ मशीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लगभग 80% जितने भी वर्क पीस होते हैं उनको हम लेथ मशीन की सहायता से ही बनाते हैं। लेथ मशीन की सहायता से हम लोग कटिंग, सैंडिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, है ना, डिफॉर्मिंग, फेसिंग, टर्निंग, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें कई सारे भाग होते हैं, आइए हम लोग उन भागों को जानते हैं। देखिए, लेथ मशीन में सबसे पहला आता है हेड स्टॉक, जिसमें हमारा मोटर लगा हुआ होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वर्कपीस को रोटेट करने के लिए सक्षम होते हैं। उसके बाद हमारा चक लगा हुआ होता है, टूल पोस्ट लगा होता है जिसपे हम अपने टूल को बांधते हैं जो हमारा कटिंग का काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखते हैं टेल स्टॉक लगा हुआ है। टेल स्टॉक मतलब जो पीछे का हिस्सा है जो हमारे वर्कपीस को दूसरी तरफ से सहायता देता है। ठीक है, लीड स्क्रू, ये सारी चीजें, कैरियज, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं हमारे जो टूल पोस्ट है उसको आगे पीछे, लेफ्ट राइट, इस तरफ या फिर उस तरफ आगे मूव कराने के लिए ये सारी चीजें लगी हुई होती हैं। एक बेड होता है जिसपे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है? देखिये, लेथ मशीन एक जननी है हर टूल को, इसपे ये कटिंग टूल भी है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोहे को काटते हैं, उसको शेप देते हैं, ये आकार देने के काम में आता है। ठीक है, इसमें कटिंग टूल को हम लगा के इसके द्वारा हम किसी भी बेलनाकार वस्तु को टर्न कर सकते हैं, उसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं, उसमें और भी कई सारी मशीनिंग प्रक्रियाएं कर सकती हैं। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, या नीचे एक छोटा सा फिगर है। ठीक है, फिगर में देखिए आपको हेड स्टॉक दिख रहा है, हेड स्टॉक, और ये आपका लेथ स्पिंडल है। लेथ स्पिंडल में ही देखिए लीव सेंटर लगा हुआ है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लीफ सेंटर के साथ ही हमारा डेड सेंटर भी लगा हुआ है टेल स्टॉक के अंदर में। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया कि टेल स्टॉक और हेड स्टॉक दो स्टॉक होते हैं जिनके आगे में, जिनके नुकीले, जिनके पॉइंट्स पे लीफ सेंटर और डेड सेंटर लगे हुए होते हैं। लीफ सेंटर और डेड सेंटर के बीच में हम वर्क पीस को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, जो जो वर्क पीस है उसका एक्सिस, जो उसका अक्ष है बीचों बीच, उस पे हम लोग सेंटर्स के द्वारा प्रेशर देके, दबाव देके वर्कपीस को पकड़ते हैं और रोटेट कराते हैं। जब भी हम वर्कपीस को रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा एक टूल होता है जो कि हमारा टूल पोस्ट में लगा हुआ होता है। उसको हम जब रोटेशन मोड में हम टूल पोस्ट को चेक टच कराते हैं वर्कपीस में, तो हमारा लोहा जो है, जो मेटल है, वो धीरे धीरे कटिंग मोड में आ जाता है, वो धीरे धीरे से कटना शुरू हो जाता है एक एंगल पे। तो ये है वर्क प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। और हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि लेथ मशीन कितने टाइप की होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए, लेथ का क्लासिफिकेशन होता है उसके काम, उसके आकार और उसके जो ऑपरेशन है उनके आधार पर लेथ मशीन का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि स्पीड लेथ, स्पीड लेथ के अंदर तीन चार लेथ आते हैं, लेथ मशीनें आती हैं, जैसे वुड कटिंग लेथ हो गया, सेंटरिंग लेथ हो गया, स्पिलिंग लेथ हो गया, है ना, पॉलिशिंग लेथ हो गया। ये सारे जितने लेथ के प्रकार है, लेथ मशीन के प्रकार है, ये सारे स्पीड लेथ में आते हैं। ये सारे लेथ मशीन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड, इसका जो वर्कपीस को घुमाने का जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरा इंजन लेथ पे। इंजन लेथ मशीन तीन टाइप की होती है, बेल्ट ड्रिवन लेथ, इंडिविजुअल मोटर ड्राइव लेथ, है ना, गियर हेड लेथ। ये सारी तीन इंजन लेथ है, ये सारे इंजन, इनको उसी के अंदर इनका इंजन होता है जिनके थ्रू हम लोग चलते हैं। इंजन, इंजन के द्वारा तीन तरीके से हम लोग चला सकते हैं। इंजन के थ्रू हम मोटर ड्रिप बोल्ट जो लेथ होता है मोटर के थ्रू चला सकते हैं, बेल्ट के थ्रू चला सकते हैं, या फिर गियर का जो दाता होता है उस दाते के थ्रू हम लोग लेथ मशीन को चला सकते हैं। उसके बाद आता है बेंच लेथ, फिर टूल रूम लेथ, है ना, कैपस्टन लेथ या फिर टरेट लेथ, ठीक है, ऑटोमेटिक लेथ, या फिर स्पेशल पर्पज जो लेथ होता है उसमें व्हील लेथ आता है, गैप बेड लेथ आता है, टी लेथ आता है ना, डुप्लीकेटिंग लेथ आता है। तो ये अलग अलग तरीके से इनके काम के अनुसार, इनकी जो कैपेसिटी है काम और साइज के अनुसार इनको वर्गीकृत किया गया। तो हम लोग आगे जानेंगे कि किन किन तरीकों के लेथ बेड होते हैं।
लेथ मशीन जो होती है वो कुछ कॉमन सी लेथ मशीनें हैं जो अधिकतर जगहों पे यूज की जाती हैं, जैसे बेंच लेथ। बेंच लेथ बहुत ही जो छोटे काम होते हैं, जैसे कि कोई छोटी अंगूठी बनानी है या फिर कोई बहुत छोटा स्क्रू या फिर और भी बहुत सारे छोटे वर्क पीसेस है, तो उस जगह पे हम लोग बेंच लेथ का काम करेंगे, बेंच लेथ से हम काम लेंगे। बेंच लेथ का साइज बहुत छोटा होता है, इसका नाम ही है बेंच लेथ, जैसे कि इसका नाम है उसी तरह से इसका साइज भी होता है। इसको एक छोटे से बेंच के ऊपर फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग बहुत छोटे कामों को करते हैं। उसके बाद आता है टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ टूल रूम के अंदर होता है, जहां पे हम किसी भी टूल को, टूल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं, या फिर टूल को चेक करते हैं परिष्कृत करने के लिए। उस पे बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं टूल बनाने के समय में, तो टूल रूम लेथ जो होता है उस पे कई सारी प्रोसेस हम बहुत ज्यादा परिष्कृत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म जो हमें काम करना होता है वो टूल रूम लेथ पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कैपस्टन लेथ पे। कैपस्टन लेथ जो होता है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। इस मशीन के अंदर में हम कब यूज करते हैं इसका, जहां पे हमें प्रोडक्ट इंक्रीज करना, हमें अपना जो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोड्यूस करना है, उसको हम लोग बढ़ाना जब होता है तो हम लोग कैपस्टन लेथ का यूज करते हैं, ठीक है। जहां पे हमें एक ही वर्क पीस को कई बार बनाना है, ठीक है, कई बार उसी का कॉपी बनाना है। एक जैसे हमने एक मानक सेट कर दिया, उस मानक पे ही हमें बार बार अगर उसी वर्क पीस को बनाना है तो हम उस जगह पे टरेट लेथ का यूज करेंगे। ये दोनों मशीनें सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। इन दोनों मशीनों में क्या होता है कि हमें वर्क पीस को सिर्फ सेट करना होता है, उस मशीन पे ले जाके वर्क पीस को सेट कर देंगे और उसमें जो भी ऑपरेशंस करने हैं उस हिसाब से हमें ऑपरेशन करने हैं। जो आरपीएम होता है इस मशीन में ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसमें कुछ काम मैनुअली किए जा सकते हैं और कुछ काम ऑटोमेटिक होते हैं, तो इससे ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक लेथ। देखिए ऑटोमेटिक लेथ क्या होता है, इसके अंदर में क्या होता है, जो भी ऑपरेशन हमें करने हैं उसके लिए हम यहाँ पे देखिए जो हमारा कैरिज है, कैरिज में बहुत सारे लीवर्स होते हैं। हम एक लीवर को एक मानक पे सेट कर देते हैं, उस मानक के अनुसार जो हमारा आरपीएम है वो आरपीएम भी हमारा ऑटोमेटिकली सेट होगा, और जो हमारा जो ऑपरेशन है इसमें ऑपरेशन जो फीड देना होता है बस फीड हमें मैनुअली देखते रहना है, बाकी सारा काम ये मशीन ऑटोमेटिकली करती है। आज के समय में साइंस डेवलप कर गया है तो ऑटोमेटिक लेथ मशीन में हमें फीड भी देने की जरूरत नहीं है, सारा चीज एक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा हो जाता है। स्पेशल पर्पस जो लेथ होते हैं, ये लेथ मशीन बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारा वर्क पीस कोई बड़ा है या फिर उस जो आकार है वर्क पीस का उसका आकार ही कुछ और है, तो उस जगह पे हम लोग स्पेशल पर्पस लेथ का मशीन का उपयोग करते हैं। इसमें जो बेड होता है, गैप होता है बेड के जगह पे, जैसे वर्क पीस बहुत बड़ा है तो उस जगह पे हम लोग स्पेशल पर्पस लेथ मशीन का यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे लेथ एसोसरीज के बारे में। लेथ मशीन तो हम कई तरीके होते हैं। देखिए लेथ मशीन अकेले, लेथ मशीन के थ्रू हम कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक हमें उसके एसोसरीज के बारे में ना पता हो, या फिर एसोसरीज हम जब तक इस्तेमाल ना करें। एसोसरीज में क्या आती है, जैसे कि होल्डिंग टूल या फिर काटने के लिए जो टूल्स होते हैं, ये लेथ एसोसरीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे जानेंगे कि लेथ एसेसरीज क्या होती हैं और इनका अलग अलग क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेथ एसेसरीज में देखेंगे सेंटर्स के बारे में। देखिए शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हेड स्टॉक और टेल स्टॉक है उसके अंदर में लीफ सेंटर या डेड सेंटर लगे हुए होते हैं। तो लीफ सेंटर जो वो होते हैं जो लीफ सेंटर में, देखिए होता क्या है, जब हम इसको टेल स्टॉक में बांधते हैं तो इसका जो आगे का नुकीला वाला भाग है ये भी हमारे वर्क पीस के साथ साथ घूमता है, ठीक है। मतलब लीफ सेंटर मतलब ये जिंदा सेंटर, जो इसका नुकीला पॉइंट है, जो केंद्र है वो जिंदा है, वो घूमेगा, ठीक है। इसके अंदर में बेयरिंग्स लगी हुई होती है जो कि इसको घुमाने का काम करती है। लेकिन जो डेड सेंटर होता है, डेड सेंटर सिर्फ इसमें नुकीला भाग होता है, ये वर्क पीस के साथ नहीं घूमता, ये एक जगह पे स्थिर होता है, ठीक है। डेड सेंटर का अधिकतर हम लोग यूज करते हैं टेल स्टॉक में, और लीफ सेंटर का अधिकतर उपयोग होता है हमारे जो हमारा हेड स्टॉक है उसके अंदर में, ठीक है। हम लोग आगे जानेंगे चक के बारे में। देखिए चक जो होता है वो लेथ मशीन का सबसे महत्वपूर्ण एसेसरीज है ना। जो सेंटर्स है ये भी महत्वपूर्ण है। इन चीजों के द्वारा हम लेथ मशीन पे कोई भी ऑपरेशन करने में असक्षम नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मली जो लेथ मशीन पे आपको देखने को मिलेंगे वो थ्री जॉ चक या फोर जॉ चक होंगे। देखिए थ्री जॉ चक और फोर जॉ चक में इन दोनों में एक ही अंतर है। देखिए इसमें जो जबड़े हैं
ये देखिए जो आपको ये तीन दिख रहे हैं, ये तीनों जौ है। जौ मतलब जबड़ा होता है, जिसको हिंदी में जबड़ा बोला जाता है। ये तीनों जबड़े हैं, लेथ मशीन के जौ जो होते हैं ये जबड़े होते हैं। इनको टाइट करने के लिए देखिए यहाँ पे जौ चक, जो चक रिंच होता है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए थ्री जॉ चॉक और फोर जॉ चॉक। नॉर्मली जो सबसे आसान या फिर सबसे सरलता से मिलने वाले जो लेथ मशीन में चक होते हैं वो यही दोनों होते हैं। लेथ मशीन में और भी चक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन चक। यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन चक, ठीक है, मैग्नेटिक चक, कॉलेट चक, ड्रिल चक, है ना, या फिर एयर और हाइड्रोलिक चक। ठीक है, तो ये सारे चक के प्रकार है। इन सारे चकों जो नीचे लिखे हुए चक हैं, इन सारे चक के जो यूजेस हैं वो कुछ कार्यों के लिए ही, कुछ वर्क पीसेस के लिए, स्पेशल कार्यों के लिए यूज किया जाता है। जो साधारणता है जनरली वो हम इन दोनों चक, थ्री जॉ चक और फोर जॉ चक का ही इस्तेमाल अधिकतर हम लोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि और भी जो एसेसरीज लगती है लेथ मशीन में उनका क्या काम है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेस प्लेट पे। ठीक है, देखिए फेस प्लेट, लेथ मशीन का जहाँ चक लगा हुआ होता है उस जगह पे हम फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, देखिए कभी कभी होता क्या है कि जो थ्री जॉ चक या फिर फोर जॉ चक है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ गोल वस्तुओं को ही पकड़ सकते हैं। जो हमारी बेलनाकार वस्तुएं हैं हम उन्हीं चीजों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमारा वर्कपीस ऐसा है जिसकी जिसका आकार गोल ना हो के कोई और आकार में हो, त्रिभुजाकार है या फिर षष्ठभुजाकार है या फिर कोई और आकार हो, तो उसमें अगर हमको लेथ का काम करना है तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए हम लोग फेस प्लेट लगाते हैं। ठीक है, या फिर एंगल प्लेट लगाते हैं। ठीक है, तो फेस प्लेट जब हम लगाते हैं तो फेस प्लेट में देखिए बहुत सारे खांचे कटे हुए होते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा फेस प्लेट में, यहाँ पे खांचा कटा हुआ है, यहाँ खांचा कटा हुआ है, यहाँ पे खांचा किया कटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे गोलाई में ही खांचा कटे हुए होते हैं, जिसके खांचे इसलिए कटे होते हैं कि जब हम किसी वर्कपीस को हम पकड़े तो उस वर्कपीस का जो सेंटर है वो हम अपने टूल पोस्ट से या फिर डेड लिफ्ट से ले सकते हैं। लेने के बाद क्या करेंगे, हम उस वर्कपीस को जहां जहां पे स्लॉट है उस जगह से हम उसको क्लैंप कर सकते हैं। ठीक है, तो फेस प्लेट का मेन काम ये होता है कि जिस वस्तु का या फिर जिस वर्कपीस का आकार अजीब हो या फिर किसी गोल के अलावा कोई और आकार का वर्कपीस है तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं एंगल प्लेट में। जैसे कि कोई वर्कपीस ऐसा है जिसमें हम किसी एंगल में हमको एक सेंटर होल बनाना है। ठीक है, तो हम लोग वहां पे एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। एंगल प्लेट भी फेस प्लेट के स्लॉट में ही टाइट किया जाता है। एंगल प्लेट में भी कई सारे खांचे बने हुए होते हैं, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल प्लेट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ देखिए फेस प्लेट में हम एंगल प्लेट को टाइट कर चुके हैं। एंगल प्लेट भी माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, कास्ट करके बनाया जाता है, जिसकी सतह को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। तो एंगल प्लेट भी 90 डिग्री पे ही होता है एक्चुअल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल प्लेट जब हमारा बंध गया है फेस प्लेट के अंदर में, अब हम इसके ऊपर किसी वर्कपीस को बांधना है, हमको इसके ऊपर हमको वर्कपीस को बांधना है, तो हम कैसे बांधेंगे, देखिए एंगल प्लेट में भी स्लॉट कटे हुए होते हैं तो हम उस स्लॉट में अपने वर्कपीस को बांध सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लेथ डॉग। ठीक है, जिसको करियर भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, जब हम फेस प्लेट बांधते हैं या फिर एंगल प्लेट बांधते हैं लेथ मशीन में, अगर हमें कोई वस्तु को पकड़ना है, किसी वर्कपीस को हमें होल्डिंग, जैसे कि लेथ मशीन में क्या होता है जब हम किसी चीज को टर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे हमारा जो वर्कपीस है वो कभी कभी घूमने का प्रयास करता है या मुड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, या फिर जब हम उस पर बहुत ज्यादा फीड देते हैं टूल पोस्ट या फिर अपने टूल की सहायता से, तो वो क्या होता है, डेड लिफ्ट या फिर जो लिफ्ट सेंटर है उसके हिसाब से वो घूमना रुक जाता है, घूमने की जो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो हम लोग वहां पे लेथ डॉग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेथ डॉग का यूज कैसे करते हैं, जब हम दो सेंटर्स के बीच में अपने वर्कपीस को लगाते हैं तो दोनों सेंटर्स के बीच में लगाने से पहले हम अपने वर्कपीस के अंदर लेथ डॉग को डाल देते हैं। फिर लेथ डॉग पे देखिए यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ होता है जो कि हम अपने वर्कपीस पे टाइट कर देते हैं पूरी तरीके से। फिर तो जब हम इसको टाइट कर देंगे उस बोल्ट को, तो बोल्ट टाइट करने के बाद देखिए यहाँ पे फेस प्लेट से एक डेड सेंटर निकला हुआ होता है जो कि जो हमारे अच है, अच से दूसरी ओर, ठीक है, उसके अपोजिट साइड में, उसमें हमारा लेथ का देखिए जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसमें फंसने के बाद जो हमारे लेथ की, जो हमारा वर्कपीस घूमने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है।
लेफ्ट डॉग जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। कुछ लेफ्ट डॉग जो होते हैं उनका पॉइंट इस एल आकार में मुड़ा हुआ होता है, जो कि सीधे जाके फेस प्लेट में जुड़ सकते हैं या फिर उसमें फंसाए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मैंड्रिल पे। मैंड्रिल क्या होता है, जब हम किसी भी खोखले वस्तु को, जैसे कि हमारा पुली हो गया, अब पुली को अगर हमें लेथ पे कोई काम करना है पुली के अंदर में, तो हम उस पुली को कैसे होल्ड करेंगे, ठीक है, तो हम उस जगह पे मैंड्रिल का यूज कैसे करते हैं। मैंड्रिल का देखिए एक हिस्सा, जो जिस हिस्से मैंड्रिल क्या होता है ना, एक टेपर होता है, ठीक है, इसका एक हिस्सा हल्का पतला और एक हिस्सा मोटा होता है, इसको एक संबंध 2000 के अनुपात में टेपर बनाते हैं। तो इसका एक हिस्सा देखिए, दोनों हिस्से पे हल्की हल्की चूड़ियां कटी हुई होती हैं, ठीक है, दोनों हिस्से में एक डेड सेंटर बना हुआ होता है, लिप सेंटर जहां पे लगते हैं, डेड सेंटर और लिप सेंटर दोनों के बीच में हम मैंड्रिल को लगा देते हैं और मैंड्रिल के अंदर हम पुली को चढ़ा चुके होते हैं, ठीक है। ये एक फीड एंड, जैसे कि फीड एंड प्रेशर वाला जो फिक्चर होता है, एक फिक्चर टूल है जो कि वर्कपीस को पकड़ने का काम करता है, होल्डिंग का काम करता है, ठीक है। तो जब हम उसके जो स्पिंडल जहां पे डलाता है, जहां पे रॉड डलाती है पुली के, वहां पे हम लोग मैंड्रिल को डालेंगे और जो हिस्सा पतला होगा उस तरफ से डालेंगे और जो हिस्सा मोटा होगा वो लास्ट मोमेंट पे जाके फंस जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय पे जब ये टाइट हो जाएगा तो हम लोग अपना जो टूल होता है हमारा, जब भी हम लेथ मशीन पे किसी भी टूल के द्वारा कटिंग प्रक्रिया करते हैं या फिर टर्निंग प्रक्रिया करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, हमारा पुली क्या होगा उस पर मैंड्रिल पे धीरे धीरे और टाइट होता चला जाएगा, जिस वजह से हम अपने पुली पे भी लेथ मशीन की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।